नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में, आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और बता दें आपको इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में भी सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, किस तरह से सीट शेयरिंग दोनों पार्टियों के बीच हुई है उसी का ऐलान संभव है। दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़ में गठबंधन क्या शक्ल ले रहा है, गोवा, हरियाणा में भी गठबंधन का ऐलान हो सकता है। तो थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की यह साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, यहां पर किस फॉर्मूले पर सहमति बनी है उसी का ऐलान संभव है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि उसके अलावा चंडीगढ़ है, हरियाणा है, गोवा है, गुजरात है, यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर क्या सहमति बनी है दोनों ही पार्टियों के बीच, उसकी जो तस्वीर है कुछ ही देर में साफ हो जाएगी। हालांकि 11:30 बजे का ही वक्त रखा गया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है और गठबंधन का ऐलान, औपचारिक ऐलान वो किया जा सकता है। और जिस तरह से छन छन कर जो खबरें सामने आ रही है, गोवा में कांग्रेस सभी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है ये फैसला हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से गोवा में भी सीट मांगी जा रही थी। इसके अलावा पंजाब का पहले ही क्लियर है, पंजाब में गठबंधन नहीं है, अलग अलग दलों के रूप में दोनों ही पार्टियां चुनाव लड़ने वाली हैं। और इसके अलावा चंडीगढ़ सीट पर कांग्रेस के खाते में ये सीट जा रही है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। गुजरात में भी 2 सीट आम आदमी पार्टी को जा सकती है। हालांकि भरूच सीट को लेकर क्या होता है, क्योंकि उसको लेकर कांग्रेस में कुछ विरोध के स्वर उठ रहे हैं। इसके अलावा अगर हरियाणा की बात कर लें तो वहां पर भी कुछ सीटों को लेकर सहमति बन रही है। और मेरे सहयोगी ऋषिकेश दिल्ली से सीधा जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश, कितनी देर में शुरू होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि सभी को इंतजार है कि दिल्ली के अलावा जो दूसरे राज्य हैं उसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच क्या समझौता हुआ है। देखिए टाइम, अब मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं कि इंतजार हो रहा था संदीप पाठक और जो सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वो पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में इंतजार हो रहा था वो, अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। ये कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस का पीछे जो बैनर लगा हुआ है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें, और उसमें इंडिया अलायंस के बैनर के तहत ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जो जानकारी सूत्र दे रहे हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर के बाद औपचारिक ऐलान हो जाएगा। जो 3 सीटों पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। हरियाणा की जो 1 सीट आम आदमी पार्टी खाते में गई है वो कुरुक्षेत्र सीट है। कहा जा रहा था कि जो सुरक्षित सीट है अंबाला या सिरसा उसमें से कोई 1 सीट मांग रहे, लेकिन अब कुरुक्षेत्र सीट पर आपस में सहमत। तो देखिए, आप इस वक्त देख रहे हैं मंच, ये साझा मंच शेयर कर रहे हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और पीछे आप देख रहे हैं इंडिया का जो लोगो है वो आपको दिख रहा है। तो पहली बार ये तस्वीर साथ दिख रही है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मंच को साझा कर रहे हैं, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं इस वक्त। और कुछ ही देर में यहां पर ऐलान हो जाएगा आखिर दिल्ली समेत जो दूसरे राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी सीट्स मांग रही है उसको लेकर क्या कुछ खाका तैयार किया गया है, कितनी सीटें दी गई है आम आदमी पार्टी को। और दिल्ली में हालांकि 4-3 का जो रेशो है, 4-3 का जो ये फॉर्मूला है ये पहले ही सामने आ गया था, और बाकी राज्यों में भी सीटों को लेकर मामले सुलझ गए हैं। और उसी के बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। हालांकि सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें आ रही हैं, चाहे चंडीगढ़ हो, गोवा हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। संदीप पाठक जी, आतिश जी, सौरभ, आवाज नहीं है अभी आ जाए। संदीप पाठक जी, आतिशी जी, दीपक बाबरिया जी, सौरव भारद्वाज जी, अरविंदर सिंह लवली जी,
और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, नमस्कार। पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ में लोकसभा के सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चलते रही, और आपको इस बात की जानकारी है कि दो दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ। उसकी घोषणा लखनऊ से हुई। समाजवादी पार्टी को एक सीट लोकसभा की, खजुराहो ये मध्य प्रदेश में देने का भी ऐलान लखनऊ से किया गया। पिछले दिनों में